बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना जो है डेली रूटीन, कि मेरा डेली का क्या रूटीन रहता है। सो अभी जो है मतलब दोपहर का टाइम है, मॉर्निंग का तो सारा काम हो गया है, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो सब हो गया है। अभी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना लंच रूटीन, कि जो है अभी हम लोग मतलब लंच में क्या करते हैं। सो अभी जो है फ़िलहाल तो जो है सारा कमरा जो है मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया है और यूवी को सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए दोपहर का, क्यों मॉर्निंग में तो पोहे बने थे, सबने पोहे और चाय जो है सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अब जो है जा रही हूँ मैं लंच बनाने के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना पूरा डेली रूटीन। सो मैं पहले लाइट बंद कर देती हूँ कमरे की, मैं दिखा देती हूँ कि मेरे कमरे का क्या हाल हुआ है। यूवी को जस्ट मैंने अभी सुलाया ही है, ये आप देख सकते हैं सब। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। चलिए चलिए मेरे साथ, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पूरा लंच मतलब दोपहर से लेके नाइट तक का रूटीन। सो चलते हैं किचन में, लाइट बंद कर देती हूँ मैं। सो गाइज़, मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे जो है सब्जियाँ जो है ऑलरेडी मेरी मम्मी जी ने जो है काट के रख दी थी। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ आलू और बैंगन की जो है सब्जी मसालेदार। तो यहाँ पे सब्जी जो है मम्मी ने ऑलरेडी काट दी है और जो है अब जो है मैं जा रही हूँ इसका तड़का लगाने के लिए। मैं सब्जियों को जो है सबसे पहले धो लेती हूँ। धोने के बाद जो है मैं इसका अच्छे से पहले क्लीन करूँगी, जो बैंगन होता है बैंगन को अच्छे से क्लीन करूँगी। देन उसके बाद जो है इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हाय गाइस, मैं हूँ संजना और मैं अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और फैमिली रिलेटेड ब्लॉग्स। अगर आप सभी लोगों को इस टाइप की वीडियोज़ देखनी अच्छी लगती है तो आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ गाइज, अभी इस समय मुझे आप सभी लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। यहाँ पे गाइस जो है मैं अभी सब्जी में जो है तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने चिमनी ऑन कर दी है, बिकॉज़ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप सभी लोग भी जानते हैं कि रसोई में जो है कितनी गर्मी लगती है खाना बनाते वक्त। मैं तो हैट्स ऑफ करूँगी उन सभी लेडीज़ के लिए जो कि अपनी फैमिली के लिए जो है इतनी गर्मी में जो है खाना बनाते हैं और फिर भी जो है उनके फैमिली मेम्बर जो है उन खानों में जो है कमियाँ निकालते हैं। उन्हें तो उनको थैंक्स करना चाहिए कि एटलीस्ट वो बना के दे रहे हैं इतनी गर्मी में भी। मैं जो है यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है फिर भी जो है जल्दी जल्दी जो है मैंने सोचा बना लेती हूँ, देन उसके बाद जो है आराम से जाके बैठूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरी सब्जी का ऑलमोस्ट तड़का लग गया है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अब फटाफट जो है इसमें काट के टमाटर डाल देती हूँ, देन पकती रहेगी ये सब्जी अब।
जब तक मेरी सब्जी यहाँ पक रही है तब तक मैंने सोचा क्यों ना जो है सभी परिवार के लिए जो है रूह अफ़ज़ा बना लें। वैसे इतनी गर्मी हो रही है तो गर्मियों में तो आप सभी लोगों को पता है कि ठंडी ठंडी जो चीज़ है खाने का पीने का कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है खाने पीने में। तो यहाँ पर जो है मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो भी हेल्प कर रही हैं। और यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट होने वाली है और रूह अफ़ज़ा भी मेरा तैयार हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ सबको सर्व कर दूँगी। कैसा बना है बताओ? बहुत ही टेस्टी, बहुत। सो रूह अफ़ज़ा पीने के बाद जो है अब टाइम हो गया रोटी बनाने का, तो यहाँ पे जो है मैं रोटी बना लेती हूँ सबके लिए। और यहाँ पे जो है मैं बना लेती हूँ सारी रोटियाँ जो है। उसके बाद जो है मैं सोच रही थी कि जो है अब बना के ही आराम करूँगी, इसलिए जो है मैं यहाँ पर जो है मैंने सबके लिए बना दिया है। और पापा जी के आने का भी टाइम हो गया था लंच का। और लंच बनाने के बाद जो है यूवी को जो है मैंने नहला दिया था, और नहलाने के बाद जैसे ही मैंने इसको बेड पे रखा और मैं इसके कपड़े निकालने लग गई, तब तक तो जो है ये इसको तो अकेले छोड़ने लायक नहीं है, भागने लगता है पूरे बेड पे जो है, डर लगता है कि गिर ना जाए, इसलिए फटाफट जो है मैंने पकड़ लिया। और जो है अब मैं इसकी मालिश करूँगी, मालिश करने के बाद जो है यूवी को अब तैयार करूँगी। उसके बाद जो है खा पी के ये भी अब जो है थोड़ी देर सोएगा, क्योंकि हम लोगों को जाना है शाम को मार्केट सभी फैमिली को। कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैं ना इडली डोसा खिलाने। तो अब फाइनली शाम हो गई है और हम सभी लोग जो है निकल गए हैं, जो मतलब घर पे रहते हैं, मतलब जेंट्स लोगों को छोड़ के, जो पापा जी और पति देव जी को छोड़ के हम सभी लोग जो घर पे थे, वो सभी लोगों ने प्लान बना लिया कि जो है चलते हैं कुछ बाहर खा के आते हैं। तो मम्मी जी ने कहा चलो चल पड़ते हैं सारे के सारे, इसी बहाने जो है थोड़ा सा घूम भी आएंगे और थोड़ा आउटिंग हो जाएगा। और फिर हम लोग जो है चले गए, फिर हम लोग खा कर आए थे इडली डोसा। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी जो है बहुत ही ज़्यादा मस्ती के मूड में था, इसको तो कुछ भी दे दो हाथ में जो है ज़ोर ज़ोर से पटके जा रहा था टेबल पर। तो सच बात है गाइस, बच्चे को जो है कहीं बाहर लेकर जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके साथ मैनेज करना वहाँ पर। हम सभी लोग जो है खा के फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा मार्केट में घूमेंगे जो लेना था लेके। अब फाइनली जो है हम लोग जो है घर पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, जो रात का डिनर होता है। जो लोग नहीं गए थे उनके लिए जो है थोड़े से सोचा अंडे बना देती हूँ, अंडे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है उसी की तैयारी हो रही है। आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ यूवी आ जाओ आ जाओ बुग्गू बुग्गू आओ।
नो गंदा डर्टी 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 डर्टी। चलो उधर उधर चलो। सो फाइनली हम लोग जो है मार्केट से आ गए हैं, और मार्केट से आने के बाद जो है हम लोग मार्केट में खा के आए थे डोसा, इडली डोसा और जूस वगैरह पी के आए थे, तो काफ़ी लोगों का पेट भरा हुआ है, तो कुछ लोगों का जो है मतलब खाना बन रहा है अभी। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं बर्तन धो रही हैं। सो गाइस कैसी लगी आप सभी लोगों को मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से देते रहिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक यू।